को आप सभी देखने का तो कर रहे होंगे इंतजार फिल्मी पर्दे पर यानी कि दबंग 3 के सरी। लेकिन अभी है लगने वाला एक वीक का वक्त, क्योंकि एक वीक का इंतजार रह गया है अरबाज खान की रिसेंट रिलीज होने जा रही फिल्म दबंग 3 का। लेकिन इससे पहले अरबाज ने दी है बड़ी गुड न्यूज फैंस को, जिससे हम आपको जरूर कराना चाहेंगे बाकी। वेल, इंतजार तो आपको होगा यह जानने का क्या वाकई में अरबाज दूसरी शादी की खुशखबरी मलाइका तक पहुंचाएंगे। पूरी दुनिया को वो ये बताना चाहते हैं कि वो शादी के लिए तैयार जब होंगे पूरी दुनिया जानेगी उनकी दूसरी शादी कब होगी कैसे होगी। तो इस बारे में पक्की कर दी है अरबाज खान ने जॉर्जिया के साथ अपने रिलेशनशिप को। वो कोई और नहीं जॉर्जिया जी हैं जो कि अरबाज के दिल पर कर रही हैं राज। 2 साल बाद, तलाक के 2 साल बाद अरबाज खान ने जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ शादी पर मुहर लगाने से पहले किया है बड़ा ऐलान। मलाइका अरोड़ा को जरूर लगेगा झटका ये जानकर। तो आप सभी के लिए इस खास प्रोग्राम लेकर आए हैं हम आपके बीच। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से। अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर स्पेशल शो स्टार लाइफ, जिसमें हम करेंगे बात अरबाज खान के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने अपनी शादी का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने रिश्ते पर, शादी पर, रिलेशनशिप पर, लव लाइफ पर, हर एक मामले पर पेशेंस के साथ मीडिया के हर सवाल का खुल कर दिया है जवाब बेझिझक। जी हाँ, बेझिझक अरबाज खान ने जवाब ने क्या क्या कहा है ये सारी बातें आप भी सुनेंगे, मलाइका अरोड़ा भी सुनेंगी, सुन चुकी होंगी कि कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है दर्शकों, चलिए बढ़ते हैं हमारे खास रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं क्या कहना है सलमान के छोटे भाई अरबाज खान का दूसरी शादी को लेकर। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वेल, जहां एक तरफ मलाइका अरोड़ा को दबंग 3 से बाहर का रास्ता सलमान अरबाज ने दिखा दिया, तो वहीं दूसरी ही तरफ मलाइका की शादी को लेकर अर्जुन कपूर ने भी खुलकर बता दिया है कि फिलहाल वो शादी को लेकर फोकस्ड नहीं है। अब मलाइका को एक और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि मलाइका अरोड़ा जो कि अरबाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा आज भी मानती है, उनसे हटकर अरबाज खान ने जो अपनी दूसरी शादी को लेकर खुशखबरी दी है, सुनकर मलाइका अरोड़ा के होश जरूर उड़ेंगे। मलाइका अरोड़ा के होश उड़ेंगे जानकर कि उनके एक्स हस्बैंड अरबाज खान अपनी तरफ से दूसरी शादी जॉर्जिया से नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। जी हाँ, शादी को लेकर जॉर्जिया के साथ अरबाज नहीं है तैयार, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि अरबाज मलाइका के साथ दोबारा एक हो सकते हैं। वेल, जॉर्जिया को डेट कर रहे हैं अरबाज खान, इस बारे में तो उन्होंने खुलकर शेयर की है अपनी बातें। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद जॉर्जिया एंड्रियानी का उन्हें प्यार मिला, इटालियन मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ रिलेशन को वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर माने हाल ही में आई एक रिपोर्ट की, तो उस रिपोर्ट में ये खबर आई है कि अरबाज खान फिलहाल जॉर्जिया के साथ शादी के लिए तैयार नहीं। वो पूरी दुनिया को बताएंगे खुद ही और इनवाइट सभी को करेंगे जब शादी करेंगे, जब भी वो शादी करेंगे। लेकिन इसके बारे में फिलहाल उन्हें भी नहीं मालूम कि जॉर्जिया के साथ वो शादी करेंगे भी या नहीं, लेकिन दूसरी शादी वो जरूर करेंगे, ये बात उन्होंने खुलकर कह दी है। मलाइका अरोड़ा अगर अर्जुन के साथ दूसरी शादी करती हैं, तो उनके एक्स हस्बैंड अरबाज भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अगर जॉर्जिया के साथ शादी को लेकर उनका मन हो तो। वेल, दबंग 3 के प्रमोशन के लिए ही जब अरबाज व्यस्त नजर आए, तो उन्होंने जॉर्जिया के साथ शादी से जुड़े
हर सवालों का जवाब दिए। जैसा कि आपको भी मालूम है 20 दिसंबर की तारीख को इसी महीने नेक्स्ट वीक दबंग 3 रिलीज होगी, जिसमें अरबाज बतौर प्रोड्यूसर और बतौर एक्टर दोनों ही तौर पर काम कर रहे हैं। दबंग फ्रेंचाइजेस के साथ अरबाज का पुराना जुड़ाव है और पारिवारिक ये फिल्म है जिसमें सलमान उनके बड़े भैया लीड दबंग का रोल प्ले कर रहे हैं, चुलबुल पांडे का किरदार निभा रहे हैं। तो चुलबुल पांडे के छोटे भाई का किरदार अरबाज निभा रहे हैं, जिन्होंने रियल लाइफ में अपनी शादी पर जानकारी दी। 2 साल हो चुके हैं मलाइका के साथ अरबाज के तलाक को, लेकिन ये दोनों आज भी एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ टाइम पहले इनकी मुलाकात तब हुई जब बेटे अरहान के 17वें जन्मदिन पर दोनों साथ नजर आए, लेकिन शादी को लेकर अरबाज का ये कहना है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन शादी कब कर रहे हैं इस बारे में फिलहाल उन्हें कुछ मालूम नहीं। काफी ज्यादा वो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं रिश्ते को, तभी वो शादी का फैसला लेंगे, जिस तरह मलाइका के साथ उनकी पहली शादी हुई थी। अगर उनसे कोई पूछता है कि इस रिश्ते से वो खुश हैं या नहीं, तो वो पूरी तरह से खुश हैं और वो जॉर्जिया के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शादी को लेकर जॉर्जिया के साथ फिलहाल वो कोई भी तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन ऐलान वो खुद करेंगे। बहुत ही ज्यादा वो खुश हैं दूसरी शादी के लिए, लेकिन फिलहाल ये फिक्स नहीं कर पाए हैं। इस पे पेशेंस रखने की दोनों को ही जरूरत है, ये खुद अरबाज खान का कहना है। अरबाज फिल्म दबंग 3 में मक्खन चंद पांडे की भूमिका फिर निभाते नजर आएंगे। आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्ट प्रभुदेवा कर रहे हैं, जिसमें मलाइका बतौर आइटम गर्ल इस बार नजर नहीं आ रही हैं। सभी जानते हैं कि इस बार वरीना हुसैन मुन्ना बदनाम हुआ गाने में सलमान के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। तो वहीं दबंग फ्रेंचाइजेस की तीसरी फिल्म में इस बार बेसब्री से ये देखने का इंतजार होगा कि सलमान साई मांझीकर को भी लॉन्च कर रहे हैं, तो वो इस फिल्म के लिए लकी साबित होती है या नहीं। जिस तरह सोनाक्षी सलमान के लिए दबंग और दबंग 2 में लकी साबित रही है। बता दें इसी के साथ चले कि मलाइका और अरबाज ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 2 साल पहले तलाक लेने के साथ एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को खत्म तो कर दिया, लेकिन परिवार में इन दोनों के लिए अलग जगह हमेशा ही रहा है। मलाइका से तलाक के बाद दूसरी शादी के लिए अब भी अरबाज जॉर्जिया के साथ तैयार नहीं, यानी कि मलाइका अरोड़ा उनकी जिंदगी में अभी भी हैं, क्योंकि वो उनकी बेटे की माँ है और इस सच को वो नहीं बदल सकते। ये अरबाज खान का खुद ही कहना है। और ऐसे में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मलाइका अरोड़ा, जो कि बॉलीवुड टाउन की सबसे अलग सेलिब्रिटी, फिटनेस सेलिब्रिटी रही हैं, उनके लिए उनकी जिंदगी में अरबाज की जगह कोई नहीं ले सकता। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बेटे के वो पिता है और उन्होंने उन्हें जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया उनके बेटे अरहान के रूप में, जिसका कस्टडी मलाइका अरोड़ा को ही मिला शादी से तलाक के बाद, जिसके बाद आपको हम ये भी बताना चाहेंगे एलिमनी भी मिले थे मलाइका अरोड़ा को। खैर यहाँ पर अब शादी के बारे में जो अरबाज खान ने इंटरव्यू में खुलासे किए हैं, इसे सुनने के बाद हैरानी तो हर किसी को होगी ही, सोच में और भी ज्यादा डाल देगी लोगों को ये बात कि आखिर कैसे ये सब पूरा हो पाएगा सपना अरबाज खान का। जी हाँ, ये था हमारा बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम अरबाज खान को लेकर मलाइका के एक्स हस्बैंड यानी कि खान परिवार के यंगेस्ट सोहेल के बड़े भैया अरबाज खान को लेकर, मक्खन चंद पांडे यानी कि अरबाज खान को लेकर। अब भाई मलाइका अरोड़ा तो दूसरी पत्नी अरबाज की नहीं बनने वाली, ये बात तय है, लेकिन सवाल तो ये भी अब भी बरकरार है, सवालों का सिलसिला बरकरार रहेगा, क्या अरबाज मलाइका को दूसरी बार अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि जॉर्जिया के साथ शादी पर फिलहाल कोई भी बात वो नहीं कह पाया ऐसा जिससे लगे कि वो शादी इस साल करेंगे या अगले साल करेंगे। देखना होगा क्या होगा अरबाज खान का फैसला। फिलहाल लेंगे आपसे हम यहीं पर इजाजत, फिर लौटेंगे बॉलीवुड टाउन की नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें आप हर एक खबर के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।